मर गई साली। चल 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 भाग भाग भाग। बच्चा। नया तारा डरना मत, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड बस, वही रुकना। वृंदा मुझे बचा लो। नया तारा वही रुको। नया तारा हाथ मत छोड़ना। आप सही थी, पारिक परिवार खूनी है। नयनतारा के हत्यारे हैं वो। नयनतारा उठो ना। तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रो, वो नयनतारा। नयनतारा का क्या हुआ? भाई, आप बिल्कुल सही थे। उस नयनतारा ने जो आपके साथ किया ना, बहुत गलत था। और इस बात के लिए उसे हम छोड़ नहीं सकते थे। सबक सिखाना था। पर तुम लोग? हम लोग आपके साथ हैं और आपके लिए कुछ भी करेंगे। ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। ओके थैंक्स। तुमने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जो भी करना था तुम्हें, वो तुम कर चुके हो। अब सीधा घर जाओ। ठीक है भाई। जी भाई। हाँ भाई, हाँ चलो। इसका मतलब ये सब देव के कहने पे हुआ। देव इन सब खूनियों के साथ मिला हुआ है। नयनतारा से मिलेगा, पता नहीं क्या कहेगी वो। बात किस हद तक बिगड़ जाएगी। दिमाग ठंडा रखना, शांत रहना बेटा। ठिकाने लगाना है मतलब बड़ी माँ? अब ये भी समझाना पड़ेगा। पर बड़ी माँ, वो देव भाई। देव हर फैसले में मेरे साथ होता है, इसमें भी होगा। वरना वो मुझे नहीं बताता कि नयनतारा कहाँ मिलेगी। उसे शुरू से सब पता था। नयनतारा को मारने की साजिश उसकी थी, तभी अपने भाइयों को भेजा था उसकी जान लेने। उठो ना नयनतारा, उठो ना, अपनी आंखें खोलो ना। तुम्हें क्या चाहिए? तुम देव से शादी करना चाहती हो? ठीक है, कर लो, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। इसको बोलो ना वृंदा की आंखें खोले, बोलो ना इससे कि मुझसे बात करे। रहन, उठो ना, बात करो ना मुझसे। ये आंखें खुल क्यों नहीं खोल रही वृंदा, बोलो ना। सुनिए, इसको लाल टेकरी मंदिर लेकर जाना होगा हमें। वहां ले जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। हाँ तो ले चलो, चलो चलो, देर नहीं करते, ले चलते हैं। खून भी तो पहुंचना है ना हमें। लाल टिकरी मंदिर ले चलते ना वृंदा, ये ठीक हो जाएगी। वहां ले जाएंगे तो। नहीं तारा उठो ना, नहीं जा सकती, मुझे ये छोड़ गए। वो लोग इसे कैसे मार सकते हैं? ये तो नागिन भी नहीं है, इसका मतलब भी नहीं है। उन खूनियों ने इसे तेरी आंखों के सामने मारा है वृंदा। तू ये भूल नहीं सकती, बख्श नहीं सकती कभी उन्हें। देव का है,
उसने तुम्हें देखा तो नहीं? उन्होंने हमें स्टेशन ने उसके आसपास कहीं नहीं देखा, बस रास्ते में मिले। पर तुम लोग ने नयनतारा का किया क्या? इंतजाम का की हमने उसका ऐसा इंतजाम किया है ना कि वो हम में से किसी को भी परेशान नहीं करेगी। शाबाश, अब कुछ काम किया है तुम सबने। चलो सबको पूजा के लिए चलना है। ईरा पंडित जी को बोला। जी दीदी। आज के बाद उस नागिन के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। नयनतारा! पत्थर हो आप, एक पत्थर ही हो आप। त्रिनेत्रधारी कहते हैं ना लोग आपको, जिसकी आंखों के सामने सब कुछ होता है। तो ये कैसे नहीं देखा आपने? अपनी तीसरी आंख क्यों नहीं खोली? होने दिया मेरे नयनतारा के साथ ऐसा? क्यों 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 होने दिया मेरे नयनतारा के साथ ऐसा? क्यों? मान्यता, अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। भगवान की इच्छा के आगे किसकी क्या चलती है? इनकी चलती है ना, क्या कहते हैं इन्हें, महामृत्युंजय। क्योंकि ये तो काल को भी टाल दे सकते हैं ना, इतनी शक्ति है ना इनके पास। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों नहीं बचाया मेरे बच्चे को? पूछिए इनसे बाबा, पूछिए ना मेरी बच्ची का क्या कसूर है, पूछिए इनसे। और ये कौन सा है? वो वृषाली जिसने मेरे से सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा परिवार, यहाँ तक कि आज मेरी बच्ची को छीन लिया, ये आज भी उनका साथ दे रही है। कौन सा नहीं? कौन सा नहीं? ये उन सब का साथ देना है ना आपको, तो दीजिए दीजिए साथ। मैं नहीं मानती आपको कोई बाबा, नहीं पूछती मैं आपको आज। मेरी बात सुनिए, हटाओ। उनको जिंदा रखना चाहते है ना, तो रखिए उन सबको जिंदा, रखिए उन सबको जिंदा, लेकिन मुझे नहीं जिंदा रहना है। सुन लीजिए अम्मा, कल आज आपके सामने एक इच्छाधारी नागिन इच्छा मृत्यु लेती हूँ मैं। नहीं, मेरी इच्छा मृत्यु ले। रुक जाइए, आप एक इच्छाधारी नागिन है, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं आपका दर्द समझ रही हूँ, हाँ मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन लेकिन आपके ऐसे करने से आपकी बेटी वापस नहीं आ जाएगी, नयनतारा वापस नहीं आएगी। पूजा कहीं भी है, मैं तो वहाँ जा सकती हूँ ना अपनी बेटी के पास। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो इस त्रिशूल को। नहीं, मुझे नहीं जीना, कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारा इंतकाम अभी बाकी है। लेकिन मेरा वक्त पूरा हो गया बाबा, मुझे मरना है, छोड़ो, रुक जाइए ना मुझे, प्लीज। इधर देखिए, आप कमजोर नहीं है, आप एक इच्छाधारी नागिन है, आप ऐसे हार नहीं मान सकती। क्या कर रही हैं आप सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूं? कमजोर नहीं हो आप। पंडित जी ने संभालिए ना, समझाइए ना इन्हें। एक नागिन तो अपने दुश्मन का सामना करती है ना, खतरे को देख के अपने अपने असली रूप में आ जाती है। पर मेरे जकड़ने के बावजूद भी इन्होंने मेरा मुकाबला क्यों नहीं किया? क्यों इन्होंने मेरे ऊपर हमला नहीं किया? ये तो बहुत सालों से लड़ रही है अकेले, बिल्कुल अकेले। कोई सहारा नहीं था, सिर्फ भोलेनाथ के साथ होने का भरोसा था, जो आज टूट गया। तो इसके साथ साथ इसका टूटना भी बड़ा स्वाभाविक बनता है। इच्छाधारी नागिनों की सबसे बड़ी ताकत उनकी इच्छा शक्ति होती है बेटा। अपने आप को ताकतवर बनाने, दुश्मन से लड़ने की इच्छा जितनी भी प्रबल होगी ना, उतनी ही सशक्त होगी इच्छाधारी नागिन। किंतु आज नयनतारा के मरने के बाद उसकी सारी इच्छाएं मर गई हैं। सालों पहले जब उन लोगों ने इसका सर्वस्व छीन लिया था, तब भी उसके साथ उसकी बेटी थी, जिन्हें की उम्मीद थी, लड़ने का कुछ मकसद था, जो आज खत्म हो गया।
उसकी मुंह बोली बेटी तुम्हारी कही, और उसकी अपनी बेटी ने आज तक उसे प्यार से मात तक करके नहीं पुकारा। ये तो होना ही था ना। चलो हम यहां पे ज्यादा समय व्यर्थ नहीं कर सकते, हमें नयनतारा के अंतिम संस्कार करने हैं। मैं उसके सारे प्रबंध करता हूं। पंडित जी, बच्चों के लिए खास काम ना कीजिएगा, सबसे ज्यादा खतरा मुझे उन्हीं के लिए महसूस होता है। जी ऋषाली मैम, आप आरती लीजिए। अब जाओ, सब जाके पार्टी करो। वाव, पूजा के बाद पार्टी, नॉट बैड यार। इतना अच्छा काम किया है, इनाम तो बनता है। चलो अच्छा ये कि नयनतारा से छुटकारा मिला, पर दीदी वृंदा का क्या? हीरा, वो पंडित जी जानते हैं। पंडित जी कहा सुनी माफ कर दीजिएगा, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर आप तो जानते हैं। जी जी, मैं समझता हूँ, आप निश्चिंत रहे, वृंदा भी ये समझ जाएगी। सालों पहले आपके अपनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं नहीं जानती, पर आज जो नयनतारा के साथ हुआ है वो मैंने खुद देखा है। इसलिए आज मैं आपको कहती हूँ, इसके साथ हुई नाइंसाफी का बदला आपको लेना होगा, लड़ना होगा आपको। इस लड़ाई को आप बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकती। आप सुन रही है मेरी बात? लड़ना पड़ेगा आपको। मेरी बात सुन रही है आप? लड़ना होगा आपको। आपको इसके साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना होगा। उस दिन जब पहली बार मैंने नागिन का रूप दिया था, तब आप ही थी ना वो जिसने मुझे मेरी शक्तियों का एहसास कराया था। मैंने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है आपने ही मुझे बताया था ना। हाँ, ऐसे आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको बदला लेना होगा। अपने परिवार, अपने पति, अपनी बेटी की मौत का बदला। मेरे साथ आइए, इधर आइए। ये भगवान देख रही है क्या? बोल रही थी आप इनको पत्थर है ये? हाँ, यही कह के कोस रही थी ना आप इनको? तो अब आप खुद भी तो एक पत्थर बन गई हो। आप क्या कर रही हो अपने साथ? ये गलत है। होश में आओ, लड़ो, सजा दो उन लोगों को। ऐसे हार मान के बैठने वालों में से नहीं हो आप। सुन रही हो मेरी बात? एक बेटी अपनी माँ से सीखती है, तो वो बेटी अपनी माँ से हारना नहीं सीखना चाहती। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूं और मैं लड़ना चाहती आपके हर एक दुश्मन से। मैं लड़ना चाहती हूं मां, आपका बदला पूरा करना चाहती हूं। सुन रही हो? आपकी एक बेटी नहीं रही ना, लेकिन आपकी दूसरी बेटी भी अभी है, और मैं भोलेनाथ के सामने आज कसम खाती हमारा कोई दुश्मन नहीं बचेगा मां। अपने पापा की मौत का बदला मैं लूंगी। ये एक बेटी का वादा है, एक इच्छाधारी नागिन का इरादा है। दरिंदों की असलियत मैं देख ही नहीं पाई माम, इसलिए मैंने आप पे भरोसा नहीं किया, आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो। तुम भी मुझे माफ कर दो नयनतारा,
वक्त रहते मैं तुम्हारी ढाल नहीं बन पाई, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी मौत भुलाई नहीं जाएगी। इस मौत की कीमत उन लड़कों को अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी। उस बालिक परिवार का एक एक सदस्य मरेगा, ये वृंदा का नहीं एक इच्छाधारी नागिन का वादा है। मौत के बदले मौत होगी वहां, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। पर अब देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया। वृंदा, वृंदा, आपकी दवाई आ गई। देव कहाँ है आकाश? वाह, वो नयनतारा को ढूंढने गया है, आ जाएगा। अरे वो नयनतारा के साथ रहना नहीं चाहता है, वो उसकी पसंद नहीं है। ऐसा उसने आपको बोला? मेरे पोते को मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझ लेती हूँ मैं उससे। तुम वृषाली को समझाओ आकाश, वो नयनतारा सही लड़की नहीं है अपने देव के लिए। जानता हूँ मां, जानता हूँ। सही लड़की होती तो मंडप छोड़ के थोड़ी ना भागती। अरे मंडप छोड़ के भागने से ज्यादा मुझे देव की पड़ी है। तुम लोग समझते नहीं हो, वो नयनतारा से प्यार नहीं करता आकाश। क्यों आए हुए हो? आंटी, वो वृंदा से मिलना था मुझे। वृंदा घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। ओके, मैं बाद में आ जाता हूँ। सुनो, मेरी बेटी की बात बिना सुने ही वृषाली बहन ने उसे बहुत कुछ सुना दी। मेरी बच्ची इतना घबरा गई कि जब मैंने उसे पूछा कि ये सब क्यों किया, उसने तो कुछ भी नहीं बोली। मैंने उसे जानना चाहा कि वहां उस लड़की नयनतारा की जगह वो मंडप पे कैसे पहुंच गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि मेरी वृंदा कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी। वो गलत काम कर ही नहीं सकती, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। ऐसी ही है मेरी वृंदा। याद है? याद है मुझे आंटी, वृंदा याद है मुझे। उसकी नादानियों में भी समझदारी है, पता है मुझे। वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती है, इतना तो इंसान की पहचान है मुझे। शुक्र है भगवान का, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सोच में इतना फर्क तो है। मैं कह दूंगी वृंदा से कि तुम आए थे। थैंक यू। हमें विधि शुरू करनी पड़ेगी। क्रियाकर्म करना है, रसम
रसम कहते हैं इसे, देखो ना मेरी बेटी, दुल्हन है ना वो, देखो कितनी सुंदर दुल्हन है ये। जानती हो बचपन से ना इसे बड़ा शौक था दुल्हन बनने का। कब से सामान इकट्ठा करके एक संदूक में रखती थी। कहती थी कि माँ देखना, जिस दिन मैं दुल्हन बनूंगी ना, सब लोग मुझे देखने आएंगे। और आज तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कितनी प्यारी लग रही है ना ये दुल्हन के लिबास में। बताओ इससे सुंदर दुल्हन कहीं देखी है तुमने? मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। अरे अरे रुको, इसे तो नजर लग काला टीका लगा देती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इधर आई। कितनी सुंदर है ना सुंदर? हाँ हाँ प्यारी लग रही है। वृंदा बेटा, दाह संस्कार तुम कर लो, वैसे भी ये तुम्हारे बहन जैसी थी। अरे बाबा, बहन जैसी नहीं, बहन ही है। और ये ठीक रहेगा वृंदा, तुम कर देना ना इसका गठबंधन, तुम तो बहन ही हो उसकी, कर देना तुम इसका गठबंधन। मटका मैं फोड़ूंगा, तुम सिर्फ परिक्रमा लगा लो। परिक्रमा क्यों कह रहे हैं आप? और ये क्यों परिक्रमा करेगी? फेरे लेना है ना इसे, ये तो दुल्हन है, ये तो फेरे लेगी। इधर आओ, हो गया बस। दूल्हा का है, बगैर दूल्हे के फेरे कैसे लेगी वो? इधर वृंदा, दूल्हा का है। अरे ये क्या करे बन? अरे बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? माँ, बाबा माँ, अरे वो लकड़ी को डाल रहे हैं उसके ऊपर, उसका दम घुट जाएगा। अरे क्या कर रहे हो वृंदा? हाँ माँ हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन वो भी मेरी बेटी है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसका दम घुट जाएगा, तुम समझ नहीं हो। तुम छोड़ो नहीं तो मैं जाकर लकड़ी हटाती हूँ। बाबा ऐसा मत कीजिए, मेरी नहीं का दम घुट जाएगा, आप समझ क्यों नहीं रहे बाबा? उसका दम घुट जाएगा, मेरी बेटी का दम घुट जाएगा बाबा। अरे हटाइए ना। नहीं माँ, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, उसका दम घुट जाएगा बाबा, से मत करिए। ख्याति वो बबूत ले आओ। आप अरे टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, जाओ ना। भाभी वो बबूत मैंने मानस को दे दी थी। क्यों? तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता था ये पूजा होने वाली है, तुम बबूत क्यों दी उसको? भाभी वो क्या कर रही हो, जल्दी बोलो। वो मैंने मानस को इसलिए दे दी थी कि वो सब बच्चों के साथ में जा रहा था ना, तो मुझे लगा कि स्टेशन पर कहीं नागिन उन पर हमला ना कर दे, तो उससे बचने के लिए मैंने दे दी थी। मानस भी स्टेशन गया था? हाँ गया था रोहन के साथ, पर सब एक साथ गए तो मुझे लगा स्टेशन ही गए होंगे, इसलिए मैंने उसके हाथ में डाल दी थी। ये बच्चे भी ना, जो काम ना करने के लिए कहो वही ज्यादा करते हैं। कोई बात नहीं ना भाभी, अब बच्चे बच कर तो आ गए ना वापस। आ गए का मतलब क्या हुआ? बबूत साथ में लाए कि नहीं वो बताओ। एग्जैक्टली अब ये मत कहना खत्म हो गई। अरे लौटाई नहीं तो इसका मतलब है कि खत्म हो गई है। एग्जैक्टली अब हमारा क्या होगा ख्याति? उनके चक्कर में हम मारे जाएंगे। पंडित जी वो बबूत नहीं बचे हमारे पास। क्या अब क्या होगा? सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि वो नागिन जख्मी है और जख्मी नागिन किसी जख्मी शेरनी से कम नहीं होती। मुझे माफ कर दो नयनतारा, मैं वहां होके भी नागिन रूप लेके भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मगर मैं वादा करती हूं, जिन लोगों ने तुम्हें बेमौत दी है वो लोग बचेंगे नहीं। मेरे ही हाथों मरेंगे। शादी नहीं है ये, मैयत है, मर चुकी है नयनतारा, सुन रही है आप, मर चुकी है वो। बस इसके आगे कुछ भी मत बोलना, यही रुक जाओ। रुक नहीं सकते माँ,
ये रुकने का वक्त नहीं है। अब ये लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। नयनतारा की आत्मा को शांति देनी हमें, आप सुन रही हो? उसकी आत्मा को शांति देनी है, उसको मुखाग्नि देनी हमें। नहीं 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 नहीं, नहीं मरिए मेरी नयनतारा। क्या करी तुम, ये क्या करे तुम? छोड़ो मुझे, नहीं, मैं अपनी नैन को नहीं, मैं अपनी नैन को नहीं जला सकती। नहीं, इसे जलाना नहीं कहते, इसे मुक्ति देना कहते। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरी नैन को, आज छोड़ो मेरा, आपको करना होगा। नयन तारा की आत्मा की शांति के लिए करना होगा। मुझे मेरी मर्जी को छोड़ के नहीं जाना। उठो मा। नहीं नहीं नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? नहीं तारा को छोड़ के नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे छोड़ के नहीं जाना। नहीं तारा, कौन हो तुम? थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। माँ को छोड़कर जा रही हो? नहीं, एक सेकेंड। हाँ माँ। हाँ क्या, कहाँ है तू? तू कहाँ चली जाती? पता है मेरा दिल कितना घबरा रहा है। कहाँ पर है? घर तो आ। गलती हो गई माँ, माफ कर दो। वृंदा, मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है माँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आपका कहा हुआ कभी नहीं टालूंगी मैं। सुन, तू घर आ जा। तू ऐसे मेरे साथ ही रहकर मुझे छोड़कर कहीं मत जा। कभी नहीं, मैं अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस यही सुनना था मुझे अपनी बेटी के मुँह से। तूने एक बार कह दिया ना तो तुझसे नहीं होगी। वो देव आया था, क्यों क्यों आया था देव? बहुत परेशान लग रहा था, तुझसे मिलना चाहता था। वृंदा सुन, मैं नहीं चाहती कि तुझसे मिले। आज बहुत रुलाया उसने तुझे, कितना परेशान किया है। तुझसे नहीं मिलेगी। आप चिंता मत करो माँ, अब हमें कोई तकलीफ नहीं देगा, ना देव ना उसका परिवार। आज रात सब बदल जाएगा माँ, सब कुछ। अब वृंदा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। तू पहले घर आ जा, मेरे पास आ जा। आ रही हूँ। जल्दी आना। माँ, मुझे अभी जाना होगा। हाँ, जैसे मैं आपकी हर एक बात सुनती हूँ, ऐसे ही मैं स्वरा माँ का भी कहानी डाल सकती। जैसे आप मेरी जन्म देने वाली माँ, वो मुझे पालने वाली माँ है, जो आप नयन तारा के लिए थी। हाँ, और आपको पता है, स्वरा माँ ने कभी भी मुझे गलत चीज़ नहीं सिखाई, कभी किसी को चोट पहुँचाना नहीं सिखाया। पर हाँ, अगर कोई बेकसूर को चोट पहुँचाए तो उसको जवाब देना सिखाया है। इसलिए अब मैं चुप नहीं बैठूंगी माँ, मैं जवाब दूंगी। नयन तारा के खूनियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप सुन रहे हो, ये लड़ाई अब लड़ाई की तरह नहीं लड़ी जाएगी,
अब यह लड़ाई जंग की तरह लड़ी जाएगी, जिसे जीतेंगे हम, इसे जीतूंगी मैं, एक एक का हिसाब करूंगी। मुस्कुराना बंद करो और जवाब दो मुझे, कैसे किया तुमने सब? ये तमाशा मत करो और बुझाओ इस चिता को, मेरी माँ इसे देख के टूट गई है। सिर्फ आज के लिए मेरी दोस्त, उस वृंदा को अपने असली रूप में आने दो, अपने नागिन रूप में आके अपने रंग दिखाने दो, फिर तुम्हारी माँ सब कुछ भूल जाएगी, तुम्हें भी। बकवास बंद करो अपनी, बंद करो अपना मुंह। मेरा मुंह बंद करने से सच नहीं बदलेगा, मैं सही कह रही हूँ। वृंदा ने जिस दिन अपनी सारी इच्छाधारी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सबके मुंह पे बस उसी का नाम होगा। वो तुमसे बेहतर है, बेहतर लड़ सकती है, शक्तिशाली है, क्योंकि वो इंसान नहीं नागिन है, इच्छाधारी। चाहे जो भी हो, मेरी माँ फिर भी मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। ही नहीं भी, इसलिए मुझे आना पड़ा तुम्हारी ताकत बनने, ताकि तुम उस वृंदा के सामने कमजोर ना पड़ो, ताकि तुम वृंदा के सामने टूटो नहीं, उसका सामना करो, ताकि तुम उस नागिन से ज्यादा ताकतवर बनो, और ये सिर्फ मैं ही मुमकिन कर सकती हूँ। समय मुझे मेरे रगों में दौड़ रहे खून की, एक इच्छाधारी नागिन के खून की कसम है मुझे, उन खूनियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, अपने हर एक किए का हिसाब चुकाएंगे वो, मेरा वार सह नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं नागिन हूं, मैं नागिन हूं, नागिन। याद नहीं मैंने क्या किया था, कैसे बचाया था तुम्हें? माँ सुनिए, आप शायद गलत डब्बे में आ गई हैं, या आपका डब्बा नहीं है। मैं ना गलत आई हूं ना गलत टकराई हूं। अपना चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम? चौंक गए या और चौंकोगे? कौन हो तुम? ये जानने का वक्त नहीं है, तुम बस जल्दी से अंदर जाओ और वहां पर जाकर छुप जाओ। क्यों, किस लिए? मैंने कहा ना ये जानना जरूरी नहीं है, मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। चाप अंदर जाओ और छुप जाओ। Are you sure, bro? वो नैनतारा यही है? पर्श, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम ये नहीं जानना चाहोगे। तुम भी मेरी माँ की तरह एक नागिन हो, एक इच्छाधारी नागिन जो कोई भी रूप ले सकती है, फिर तुम्हें मेरे साथ की क्या जरूरत, जबकि तुम अच्छी तरह ये जानती हो कि मैं एक आम इंसान हूँ, तो फिर क्यों दे रही हो मेरा साथ? तुम नहीं समझोगी कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे चुना ही क्यों, जब तुम आसानी से। आसान काम मुझे पसंद नहीं, वही तो मुश्किल है। लेकिन नैनतारा, तुम्हें चुनने के पीछे एक वजह है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्या वजह है? वहाँ मेरी चिता जल रही है, मेरी पूरी जिंदगी वहाँ दाव पे लगी है, और मेरी माँ जो टूट चुकी है। मेरी बहन तुम्हें देख लेती। वो मेरी बहन नहीं, मेरी दुश्मन है। hmm.
ध्यान से नैनतारा, सबके साथ साथ वृंदा को भी लगता है कि तुम मर चुकी हो और हमें इस झूठ को जिंदा रखना पड़ेगा। मगर क्यों? ताकि तुम अपनी माँ के सामने वृंदा से ज्यादा लायक बन सको, उससे ज्यादा ताकतवर बन सको, उससे ज्यादा बेहतर बन सको। बोलो, चाहती हो ना उससे बेहतर होना? अगर हाँ तो बस मेरे पीछे आ जाना, और इस बार बिना कोई सवाल किए। रुको, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बात सुनो। देखो माँ कसम दीदी, माँ कसम मेरे पास कुछ नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं दीदी, माँ कसम मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी नजर उस पर शुरू से थी दीदी, बिलीव मी। की भाभी, ये क्या कर रहे हो आप? मैं क्यों छुपाऊंगी बबू? क्या मैं ये नहीं जानती कि मेरे दीदी पे कितना बड़ा संकट आया है? वो नागिन आएगी तो मेरी दीदी को मार देगी। ये ढस लेगी, मेरी दीदी को ढस लेगी, ढस लेगी। बेवकूफ हो तुम। मैं? तुम सब बेवकूफ हो। उस नागिन के लिए अकेली मैं नहीं, हम सब उसके दुश्मन हैं। इसलिए जो एक के साथ करेगी वही वो सबके साथ करेगी। अगर मैं मरी ना, तुम में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि मेरे साथ खड़े रहो, वरना उस नागिन के सामने अकेले खड़े रहोगे। मां, मैं माँ के सामने नहीं आ सकती, नहीं तो माँ मुझे वो कभी नहीं करने देगी जो मैं करना चाहती हूँ। तुम मुझ पे हंस रहे थे ना, आज हम सबकी जान ना उसी पाउडर ने बचाई है जो मैंने तुम पे छिड़का था। तुम लोग कितने केयरलेस हो यार, उसे बर्बाद ही कर दिया। अगर बचा कर रखते तो हम आगे भी बचे रहते ना। मैं आज बहुत ज्यादा डर गया था। अबे चुप कर फिट्टू, तेरी तो बात बात है पैंट गीली हो जाती। अबे देव भाई आ रहे हैं, देव भाई। चुपा 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 इसे चुपा। चल 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 चल, हार्दिक हार्दिक। भाई आप पी रखी है तुम लोगों ने? वो टेंशन में, आपके टेंशन में, वो इसे नहीं, मतलब हम सबको लगा कि आपका क्या हाल होगा तो। लिसन गाइस, आई एम फाइन, और मेरी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें नशा करना पड़ जाए, इसलिए आइंदा से ऐसा कुछ नहीं। भाई भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई स्वेयर भाई। और आप ठीक हो और हम सबको यही चाहिए, क्यों? बस दैट इज ऑल वी वांट। या ब्रो, काश मेरी एक बार वृंदा से बात हो जाती तो वाकई सब ठीक हो जाता। देव, 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 माँ कहाँ जा रहा है तू? क्या हुआ? कहाँ जा रहा है तू? बाहर आ, बाहर आ। माँ क्या कर रहे हो? गिव मी द की। नहीं, चाबी नहीं दूंगी, मुझे पता है तू उस पंडित के घर गया था ना वृंदा से मिलने, तुझे पता भी है मुझे कितना डर लग रहा था। अरे तू वापस आया तो मेरे सिवा सबसे मिला, ये कौन सा तरीका हुआ? और अब दोबारा कहीं जा रहे? माँ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आज जो कुछ भी हुआ आपको तो पता ही है ना, मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ इन सब बातों को लेकर। और नैनतारा, उसने मुझे बुलाया और मुझसे मिली भी नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है, उससे क्या हुआ है। छोड़ना, भूल जाओ उसे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, वो लड़की ना तेरे लायक ही नहीं थी, जाने दे उसे, वो जिए या मरे तुझे उससे क्या। तू चल, तू पहले अंदर चल। देख, हमें जो करना था हम कर चुके हैं, भूल जाओ उस लड़की को, मरने देना उसे, तू बस अपनी सोच, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर। चल अंदर चल। माँ मुझे अंदर घुटन हो रही है, आई नीड सम एयर। ठीक है, मैं चाबी नहीं दूंगी, कहीं नहीं जाएगा तू, कहीं नहीं जाएगा।